नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS Planet पे। हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर कैप्सूल में जुलाई 8 से लेकर जुलाई 14, 2020 के बीच का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था और दूसरा पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को हमने देखा था। आज फर्दर 13-14 क्वेश्चन और हैं इसी वीक में, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने 12 क्वेश्चन देख लिए थे ऑलरेडी, आज हम 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, हाल में रोको टोको अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? रोको टोको अभियान ये लॉन्च किया गया है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा ओडिशा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो चारों में से कौन सा है? तो पहला मध्य प्रदेश, ये इसका जो है रोको टोको अभियान, इसका सही आंसर यही होगा, मध्य प्रदेश। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ई लोक अदालत किस राज्य में स्थापित हुआ है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली ऐसा कौन सा पहला राज्य है भारत का जिसने ई लोक अदालत को स्टैब्लिश किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? सही आंसर इसका होगा छत्तीसगढ़। दोनों न्यूज़ को देख लेते हैं। पहला, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा, फोकस होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहने, यानी कि समझ रहे हैं ना कि मास्क को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ने रोको टोको कैंपेन ये लॉन्च किया है। इसके डिटेल भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, वैसे इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए रोको टोको अभियान जो है किस राज्य ने शुरू किया है। और अगर राज्य में ये पूछा जाएगा जैसे MP के एग्ज़ाम में कि रोको टोको अभियान का लक्ष्य क्या था, तो मास्क पहनने को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, टू स्प्रेड अवेयरनेस एमंग पीपल टू वियर मास्क, टू पुट ऑन मास्क ऑन फेस, ये उसका जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन जो था, इंडियाज फर्स्ट एवर ई लोक अदालत ओपन इन छत्तीसगढ़। सबसे पहले लोक अदालत क्या होता है आप समझिए, लोक अदालत मतलब समझ रहे हैं ना कि पब्लिक कोर्ट है एक तरह से, जैसे कि आपस के जो मुकदमे होते हैं या जो है उस तरह के मुकदमे को निपटाने के लिए एक तरह का ये ट्रिब्यूनल होता है, एक अदालत होता है। अब ये ई लोक अदालत का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स दर्ज कराए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल तरीके से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसका जो है निपटारा किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। आगे चलकर और राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे और इसमें जो भी कमियां होंगी वो आगे पता चलेंगी और उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने लोकल क्राफ्ट आर्ट व हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी कि समझ रहे हैं लोकल क्राफ्ट आर्ट व हैंडलूम का मतलब क्या होता है। हैंडलूम मतलब समझ रहे हैं ना, हाथकरघा से बने जो भी कपड़े या प्रोडक्ट होते हैं उनको हैंडलूम प्रोडक्ट कहते हैं। आर्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कला, क्राफ्ट का मतलब होता है कताई बुनाई, ये सब जो भी चीज़ें आती हैं लोकल, उनको प्रमोट करने के लिए वहाँ के सरकार ने किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या शॉपक्लूज? तो सही आंसर इसका क्या होगा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ उन्होंने जो है कर्नाटक सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ली सी लूंग ने प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा वापसी हुई है? ली सी लूंग को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा वापसी की है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या इंडोनेशिया? सही आंसर होगा इसका सिंगापुर। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर थी और वहाँ पर हुए अभी चुनाव में इन्होंने दोबारा जो है मेजॉरिटी प्राप्त की है। तो फ्लिपकार्ट साइंस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रमोट लोकल आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए किसके साथ ये डील हुई है, तो फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है। इधर सिंगापुर PM ली सीन लूंग रिटर्न्स टू पावर विद क्लियर मैंडेट बट रूलिंग पार्टीज पॉपुलर वोट डिप्स टू 61%। जब पिछली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पिछले कार्यकाल में तो इससे ज़्यादा वोट मिला था, अभी इनकी पॉपुलरिटी थोड़ी घटी है लेकिन फिर भी इन्होंने मेजॉरिटी गेन किया, तो ये उनके प्राइम मिनिस्टर हैं।
सिंगापुर की अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको और डिटेल देख लेते हैं। सिंगापुर जैसे कि ये इस मैप में आप देखने की कोशिश कीजिए, हमारा एक एशियान जो देश है, एशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, इसका गठन जो हुआ था 1967 में हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। एशियान दक्षिण एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, इसमें कुल 10 देश हैं। इसमें 10 देश कौन कौन से हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, तो ये सारे 10 देश हैं। क्लियर है? तो इसमें जो एशियान देश हैं, यहाँ पे छोटा सा आपको देश दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा सा देश, ये मलेशिया के सदर्न टिप पे ये है, ये सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। हाँ, तो यही है, छोटा सा देश है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल, एक तरह से देखा जाए पूरी दुनिया की कॉमर्शियल हब है। बहुत सारे दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके हेड क्वार्टर ये सिंगापुर में होते हैं, दुबई में होते हैं और सिंगापुर में होते हैं, तो ये कॉमर्शियल हब है। क्लियर है? हाँ, हमारे देश में भी यहाँ सिंगापुर से भी बहुत ज़्यादा FDI आती है। सबसे ज़्यादा FDI भारत में जो आती है वो सिंगापुर से आती है, और जो है मॉरिशस से आती है। तो इस तरह के देश हैं जहाँ से FDI बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, आगे बात करते हैं, सॉरी, कर्नाटक की बात जैसे हमने की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, BS येदियुरप्पा जी उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके चीफ मिनिस्टर है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, आप सबको पता ही है, बेंगलुरु। और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं, एक है अंशी नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, दूसरा है बांदीपुर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बांदीपुर है, बांदीपुर नेशनल पार्क, तीसरा इम्पोर्टेंट है नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल और बनेरघट्टा है, ये चार वहाँ पे बहुत बड़े नेशनल पार्क हैं। तो कौन कौन, बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर, अंशी, ये चारों इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कर्नाटक के जो है नेशनल पार्क है। कर्नाटक की एक और बात अगर हम करें तो कर्नाटक में कोलार, यहाँ पर बेंगलोर के नीचे कोलार एक जगह है जहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा सोना प्राप्त होता है, सोने की बड़ी बड़ी खाने हैं यहाँ पर, इसकी माइंस को लेकर मूवी भी बनी है, KGF, हाँ KGF कोलार गोल्ड फील्ड, जिसमें वो गाना था जो है कि जो है एक आइटम सॉन्ग अभी आया था, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा नेहा कक्कड़ का गाना था कि जो है उसका पुराना रिमिक्स गाना था, ये पहले त्रिदेव में वो गाना था, गली गली में फिरता तो बन के आवारा, वो देख लीजिएगा। तो कोलार ये बेंगलोर के निकट है जो है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो ये कर्नाटका की बात हो गई, ठीक। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात है, कर्नाटका सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स वाला स्टेट है। अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, सेकंड हाईएस्ट किस में है, कर्नाटका में। महाराष्ट्र, अभी जो सर्वे हुआ था टाइगर सेंसस हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए थे और कर्नाटक में 524। तो ये हमेशा होता है, जब भी दो सालों में एक बार सर्वे सेंसस होता है, सेंसस में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर होते हैं उसे टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। इससे पहले ये दर्जा कर्नाटक के पास था, अभी MP के पास है, ठीक है। हाँ, आगे देख लेते हैं अगला न्यूज़। हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले ये अंतरिम वर्ड, या जिसे इंग्लिश में हम लोग एंटरिम बोलते हैं, इसका मतलब समझिए। एंटरिम का मतलब होता है नॉट परमानेंट, मतलब नहीं समझ रहे, ये अस्थायी होता है एक तरह से, जैसे कि इन्हें तब तक के लिए CEO बनाया गया है जब तक कोई स्थायी या परमानेंट CEO नियुक्त नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये एंटरिम होता है, जैसे एंटरिम बेल, एंटरिम बेल का मतलब क्या होता है, अंतरिम बेल, अंतरिम जमानत का मतलब होता है मुख्य जमानत से पहले जो है एक अस्थायी जमानत दे दी जाती है, उसे एंटरिम बोल कहते हैं। हाल ही में BCCI के एंटरिम CEO किसे अपॉइंट किया गया, राहुल द्रविड़, शशांक मनोहर, शरद पवार या हेमंग अमीन। तो सही आंसर इसका क्या होगा, हेमंग अमीन। अगला क्वेश्चन है, केजांग डी थोंगटोंग को हाल में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो किस राज्य के फिल्म मेकर हैं। तो वो अरुणाचल प्रदेश के हैं, असम के हैं, मेघालय या नागालैंड के हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ये फिल्म मेकर हैं, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हैं हेमंग अमीन जी, इनको BCCI का एंटरिम CEO बनाया गया फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। समझ में आ रहा, हाँ, इसके बाद जो है एक परमानेंट CEO बना दिया जाए। अब आपसे पूछा जाएगा BCCI क्या है, BCCI आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल
बोर्ड है एक तरह से, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली जी हैं। बहुत ही ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है पूरी दुनिया का। आपको देखिए समझिए, हमारा जो इंडियन टीम है, आप सबको एक थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, या कोई भी क्रिकेट टीम वो किस देश को रिप्रेजेंट तो भले करते हैं लेकिन वो सरकारी नहीं है, दीज आर नॉट पब्लिक एंटिटी, मतलब सरकारी नहीं है ये, प्राइवेट एंटिटी है। जैसे तो अलग अलग जो क्रिकेट बोर्ड हैं, जैसे इंग्लैंड का है ईसीबी, तो आप लोग देखेंगे जो ईसीबी का झंडा ये प्लस करके होता है, देख रहे हैं, इंग्लैंड का जबकि झंडा यूनियन जैक होता है, समझ रहे हैं, तो ये प्लस करके होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का झंडा है वो भले ही हम लोग प्रदर्शित करते हैं लेकिन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिंबल है वो अलग है, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा ऐसे बना रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ पर स्टार्स बने रहते हैं, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिंबल है। ऐसे अगर आप लोग बीसीसीआई का सिंबल देखें तो स्टार बना रहता है, समझ में आ रहा है, तो हर क्रिकेट बोर्ड का अपना एक सिंबल होता है, तो ये इसलिए थोड़ी जानकारी आपको दे दी हमने। हाँ, अगला जो इम्पोर्टेंट है, केजांग डी थोंगटोंग, ये हैं, इन्होंने एक मूवी बनाई थी अभी, मतलब एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हनी हंटिंग को लेकर, एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसको लेकर इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2020 का। तो ये पूछा जाएगा, केजांग डी थोंगटोंग अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत यूरोपियन यूनियन की शिखर वार्ता संपन्न हुई, या कौन सी शिखर वार्ता थी, 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? तो ये जो है 15वीं शिखर वार्ता थी, 15th एनुअल समिट थी बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। आगे हम इसके डिटेल को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि कौन सा देश कैंसर बीमारी को लेकर कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कितना वाइबल है। तो 5वां स्थान है भारत का, 6ठा, 7वां या 8वां, जाहिर सी बात है इसमें नीचे होगा, 8वां स्थान है भारत का। देख लेते हैं दोनों न्यूज़, ये रहा यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग है। यूरोपियन यूनियन पहले है क्या समझिए, देखो यूरोप, यूरोप एक कॉन्टिनेंट, क्या है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट के 27 देश, क्या कितने, 27 देश मिलकर एक जोन बनाते हैं जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। इन 27 देशों में अपनी जो कॉमन करेंसी होती है वो कौन सी होती है, यूरो होती है, उनकी अपनी जो भी लोकल करेंसी है वो अपना देश में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन जो इनका आपस में ट्रेड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है बिटवीन टू कंट्रीज इन यूरोप, वो यूरोप में होता है। जैसे जर्मनी फ्रांस की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, तो आपस में ये ट्रेड करेंगे यूरोप में करेंगे, समझ में आएगा। दूसरी फायदा क्या होती है, ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका हुआ है आपस में, तो एक दूसरे के ऊपर टैक्स कम से कम या तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो एक तरह से ये एक ट्रेड ब्लॉक है। यूरोपियन यूनियन क्या है, एक प्रकार का ट्रेड ब्लॉक है, ये व्यापारिक के जो है समूह है, जो मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक और व्यापार, अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देना। तो यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ था आपसे पूछा जाएगा, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कितने हैं, 27, पहले 28 थे, ब्रिटेन एग्जिट हो गया है इसलिए उसे ब्रेग्जिट कहा जाता था, ब्रिटेन अलग हो गया है, उसके अलग होने पर 27 देश इसके अभी मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ था, 1993 में, कब हुआ था, 1993 में, क्लियर है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ये बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, क्लियर है, सॉरी हेडक्वार्टर है, वहीं से सारा इसका फंक्शन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग वहीं से कंडक्ट की जाती है। तो इंडिया यूरोपियन के बीच में कैसे व्यापार और सहयोग को बढ़ाया जाए इसको लेकर ये 15वीं बैठक हुई थी, क्लियर हुआ, 15th मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड, ये 15 जुलाई को हुई थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अगला है, इंडिया रैंक्स 8 फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस एमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज, क्लियर है। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IEIU दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट करके एक संस्था है, एक प्राइवेट संस्था है, एक NGO है जो ये रिपोर्ट जारी करती है, इसमें भारत की रैंकिंग 8वीं है, क्लियर है, समझ में आया। हाँ, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुरून रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के कौन से में सबसे धनी व्यक्ति हैं, मतलब द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, कौन से नंबर पे आते हैं हुरून रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 5th,
सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। देखिए पिछले महीने वो एट्थ रैंक पे थे, लेकिन अभी वो हाल ही में पाँचवें रैंक पे आ गए हैं। तो विश्व के पाँचवें सबसे धनी व्यक्ति में मुकेश अंबानी शुमार है। क्लियर है? पहला कौन है आपसे पूछा जाएगा, आगे देख लेंगे। जो है 22वां क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? अब ये है क्या, रियल इस्टेट का मतलब समझते हैं। इसे वास्तविक संपत्ति कहा जाता है, जिसे कि घर, जमीन, जायदाद, जो जमीन या घर होता है इसे रियल इस्टेट माना जाता है। बिल्डिंग्स वगैरह ये रियल है क्योंकि ये वास्तविक संपत्ति है। क्लियर है कि दिखाई दे रही है, मतलब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे वास्तविक संपत्ति कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, मतलब जो भी संपत्ति जहाँ पर जैसे कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, आपको पता है एक काले धन का इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, ज़मीन खरीद लिए जाती है, तो कहाँ कहाँ पर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन या सही तरीके से एकदम पारदर्शी तरीके से रियल इस्टेट का बिजनेस होता है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 34th है। देखिए ये है मुकेश अंबानी जी, अभी ये हैं। अगर हम बात करें पूरी दुनिया के सबसे जो रिचेस्ट आदमी हैं इस समय कौन है, अमेज़न, आप लोगों ने जानते हैं अमेज़न, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है और आजकल वो OTT प्लेटफॉर्म भी बन चुका है अमेज़न प्राइम, जिसे जहां पर बहुत सारे मूवीज़ और वेब सीरीज़ रिलीज होती हैं। तो उनके फाउंडर जो जेफ बेजोस हैं, कौन, क्या नाम है, जेफ बेजोस, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और दूसरे पे कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स कभी पहले पर हुआ करते, ये माइक्रोसॉफ्ट एक IT कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। ठीक है, हाँ। अब तीसरा, चौथा, पांचवा मत देखिएगा, बस इतना। पांचवा तो चूंकि पता है भारत ही है तो ये जानना जरूरी है, पहला दूसरा आपको पता होना चाहिए। बाकी इंडिया रैंक्स 34th इन ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना, ये योजना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, पिछले मतलब जो है इसके पहले वाले वीक में हमने पढ़ी थी। PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा राज्य अग्रणी है, अग्रणी मतलब लीडिंग स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कौन सा राज्य PM स्वनिधि योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रहा है? तो आपका हमारा वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह जी चौहान जी, जो कि अभी बीच में वो COVID-19 पॉजिटिव हुए थे, अभी वो फिलहाल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ठीक है, राज्यपाल अगर हम बात करें तो राज्यपाल इस समय कौन है, उनको जी, वहाँ के जो राज्यपाल थे अभी उनकी हाल में डेथ हुई है, लालजी टंडन जी, और आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी भोपाल है, और इनके नेशनल पार्क करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। मध्य प्रदेश के अगर प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ डिंडोरी में, सॉरी डिंडोरी नहीं, फौजिल नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये वन विहार नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क है। देखिए इस तरह की जब भी स्टेट के बारे में आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए उस समय कि ये स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैं इतना ज़्यादा अगर करूँगा बहुत डेप्थ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कि अगर हम MP की बात करें तो वहाँ पर रायसेन जिला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर सांची का स्तूप है, इसके अलावा भीमबेटका की गुफा है, ओरछा सिटी है जो अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट की गई है। अभी ध्यान दीजिए, नॉमिनेशन हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ओरछा एक हिस्टोरिक सिटी है, उसे भी शामिल किया गया। इसके अलावा जो है नदियां ढेर सारी हैं, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ लिया करें तो इसे कंप्लीट हो जाया करेगा। अगला क्वेश्चन, N95 मास्क को 90 मिनट में डिसइन्फेक्ट करने की डिवाइस बनाई गई है, वो किस IIT ने तैयार किया है? IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, सॉरी ये ईट हो गया, ये IIT कानपुर या IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने N95 मास्क को 90 मिनट में डिसइन्फेक्ट करने का डिवाइस बनाया हुआ है। देख लेते हैं PM स्वनिधि योजना क्या है। पहले देखिए, हमने आपको बताया था PM स्वनिधि योजना एक योजना, महत्वपूर्ण योजना भी लॉन्च की है केंद्र सरकार के द्वारा। इट इज़ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसमें क्या किया जा रहा है, 10,000 रुपये रेडी पटरी वाली यानी स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनको आसानी से बिना गारंटी के 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, जिससे अगर उनका बिजनेस तबाह हुआ है तो वो फिर से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें
और बिजनेस सेटअप किया हुआ है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक्सपेंड कर सकें। तो इसलिए 10,000 रुपये का ये ऋण दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है, मतलब बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ है। IIT दिल्ली डेवलप्स डिवाइस डिसइंफेक्ट N95 मास्क इन 90 मिनट। देखिए N95 मास्क जो कि अभी COVID-19 के प्रसार में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव WHO ने बताया था, लेकिन बाद में हमारा जो ICMR है, मेडिकल जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने ये बताया कि N95 मास्क भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो आदमी अब करे तो करे क्या, बड़ी समस्या आ गई है भाई। कोविड बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं COVID-19 को लेकर, क्या सही है क्या गलत। अच्छे अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट फेल हुए पड़े हुए हैं। अब तो नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो गया है तो लोगों को, उनको भी COVID-19 पे पॉजिटिव बना दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रही है, अब फिलहाल वो अलग बात है। तो जो N95 मास्क हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं और उसको जो है डिस्पोज कर रहे हैं, तो डिस्पोजल ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि अगर लगातार आपने मास्क पहना हुआ है, उसको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते यूज करने के बाद आपने फेंक दिया है, तो बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्टेड हो जाता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या आपके अंदर कोई भी ऐसी वायरल कंडीशन थी तो वो दिक्कत कर सकती है। तो एक डिवाइस ये बनाया है IIT दिल्ली ने, तो इसे 90 मिनट के अंदर क्या किया कर देगा, डिसइन्फेक्ट कर देगा, जिसे फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड, तस्लीमा नसरीन या चेतन भगत। सही आंसर इसका क्या होगा, रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखा है, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड संबंधित कलाकार जगदीप जी की मृत्यु हो गई थी, वह एक महान क्या थे, संगीतकार थे, गीतकार थे, हास्य कलाकार थे या गायक थे। हास्य कलाकार थे, जिन्हें आप लोगों ने शोले में देखा होगा, सुरमा भोपाली हमारा नाम ऐसी थोड़ी ना है, ये इनका अपना फेवरेट डायलॉग हुआ करता था। इन्होंने कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में कॉमिक रोल प्ले किया हुआ है। तो इनका देहांत हो गया, इनके पुत्र हैं जावेद जाफरी जी, जो आपको धमाल सीरीज में जो है दिखाई देते हैं। ये रस्किन बॉन्ड हैं, ये एक ब्रिटिश जो है व्यक्ति हैं, इन्होंने एक किताब लिखा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये इसका इनका किताब है, तो ये पूछा जा सकता है। तो मित्रों आज हमने 14 क्वेश्चन को, जो कल के बचे हुए क्वेश्चन थे, उसको हमने समझने की कोशिश की। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जो है आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको दिक्कत तब भी आ रही है तो मेरे जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं आप। अभी वो थोड़ा सा इनएक्टिव पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं उसे ऑपरेट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मौका मिलता है तो मैं उसको ढंग से ऑपरेट करूँगा, और जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं वीडियो और बनाता जाऊँगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट एवरीवन।